नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं आपके अपने YouTube चैनल ट्रैक्टर के वीडियोस के अंदर। किसान भाइयों, आज के इस वीडियो के अंदर हम कंपेयर करने वाले हैं 50 HP श्रेणी के अंदर आने वाले दो बेहतरीन ट्रैक्टर्स को। आज हम बात करेंगे स्वराज 744 XT और करतार के 5036 के बारे में। किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में हम इन दोनों ही ट्रैक्टर का फुल कंपैरिजन करेंगे और आपको बताएंगे कि कौन सा ट्रैक्टर ज़्यादा बेहतर है। आज हम आपको इन ट्रैक्टर्स के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन, पूरी डिटेल देंगे, तो आप वीडियो को पूरा जरूर देखें। उसी के साथ वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। किसान भाइयों, शुरुआत करते हैं दोनों ही ट्रैक्टर के डायमेंशन कंपैरिजन से। किसान भाइयों, करतार 5036 की बात की जाए तो इसकी जो टोटल लेंथ है यानी कि जो लंबाई है वो है 3560 mm की। वहीं इसका जो व्हीलबेस है वो है 2010 mm का। उसी के साथ इसके अंदर टोटल वेट मिलता है आपको 1990 किलोग्राम। किसान भाइयों, स्वराज 744 XT की बात करें तो इसके अंदर 3342 mm की लंबाई मिलती है, 2096 mm का व्हील बेस और 2070 किलोग्राम का टोटल वेट मिलता है। किसान भाइयों, यहाँ पर अगर डायमेंशंस का कंपैरिजन करें तो स्वराज थोड़ा ज्यादा बेहतर है। किसान भाइयों, आगे बढ़े और अब बात करते हैं दोनों ही ट्रैक्टर के दिल धड़कन यानी कि इंजन की। तो किसान भाइयों, करतार 5036 की बात की जाए तो इसके अंदर 50 HP का 3 सिलेंडर वाला इंजन मिलता है जो कि किर्लोस्कर के साथ आता है। यानी कि इस ट्रैक्टर के अंदर किर्लोस्कर का इंजन आपको देखने को मिलता है जो कि स्वराज में पहले आता था। वहीं इस ट्रैक्टर के अंदर 3120 cc का इंजन मिलता है जो कि 2200 इंजन रेटेड RPM पर चलकर अपनी 50 HP की ताकत देता है। किसान भाइयों, इसके अंदर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन मिलता है यानी कि कोई भी टर्बो का प्रयोग इसके अंदर नहीं किया गया है। किसान भाइयों, इसके अंदर फ्यूल पहुंचाने के लिए इनलाइन फ्यूल पंप का प्रयोग किया गया है। किसान भाइयों, अब बात करें स्वराज 744 XT की तो इसके अंदर 50 HP का 3 सिलेंडर इंजन मिलता है जो कि स्वराज और महिंद्रा के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है। किसान भाइयों, इसके अंदर 3478 cc का इंजन मिलता है जो कि आपको स्वराज के 960 और 963 के अंदर भी देखने को मिलता है। किसान भाइयों, यह ट्रैक्टर 2000 इंजन रेटेड RPM पर काम करता है और अपनी 50 HP की ताकत जनरेट करता है। किसान भाइयों, इसके अंदर भी फ्यूल पहुंचाने के लिए इनलाइन फ्यूल पंप दिया हुआ है और इस ट्रैक्टर का इंजन भी नॉन टर्बो यानी कि नेचुरली एस्पिरेटेड ही मिलता है। किसान भाइयों, अगर बात करें आने वाले एयर फिल्टर की तो आपको करतार 5036 के अंदर ड्राई टाइप और ड्यूल एलिमेंट वाला एयर फिल्टर देखने को मिलता है। वहीं स्वराज 744 XT के अंदर 3-स्टेज ऑयल बाथ एयर फिल्टर देखने को मिलता है। वैसे तो दोनों ही एयर फिल्टर काफ़ी बेहतर होते हैं लेकिन ड्राई टाइप ड्यूल एलिमेंट एयर फिल्टर के अंदर आपको चोक इंडिकेटर देखने को मिलता है जो समय समय पर आपको बता देगा कि आपका जो एयर फिल्टर है वह चोक हो चुका है, तो आपको बार बार चेक करने की ज़रूरत नहीं होगी। और चोक इंडिकेटर आपको स्वराज 744 XT के अंदर नहीं मिलता, तो ये थोड़ी कमी हो सकती है। किसान भाइयों, आगे बढ़ें और बात करें टॉर्क, बैकअप टॉर्क और SFC की, जो कि किसान भाई सबसे ज़्यादा पूछते हैं मुझसे। तो किसान भाइयों, आपके लिए मैं हमेशा ही टॉर्क, बैकअप टॉर्क और SFC ये महत्वपूर्ण जानकारी हर ट्रैक्टर के बारे में बताता ही हूँ। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, किसान भाइयों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करें, ये मेरी आपसे निवेदन है। तो चलिए अब बात करें टॉर्क की। तो यहाँ पर करतार के 5036 के अंदर 188 Nm का टॉर्क देखने को मिलता है। वहीं इस ट्रैक्टर के अंदर 20% का बैकअप टॉर्क भी मिल जाता है। अगर बात करें इसके SFC रेट की तो 237 ग्राम किलोवाट पर आवर की SFC रेट इसके अंदर देखने को मिल जाती है। वहीं बात करें स्वराज 744 XT की तो इसके अंदर 190 Nm का टॉर्क देखने को मिलता है। वहीं इसके अंदर 23% का बैकअप टॉर्क भी मिल जाता है। वहीं अगर बात करें इसके SFC रेट की तो 256 ग्राम किलोवाट पर आवर की SFC रेट देखने को मिलती है। किसान भाइयों, टॉर्क और बैकअप टॉर्क के हिसाब से देखा जाए तो स्वराज ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादा पावर निकाल के आपको देगा। वहीं SFC की बात की जाए तो करतार ज़्यादा बेहतर है क्योंकि इसके अंदर कम SFC होने से डीजल खपत थोड़ी कम देखने को मिल सकती है। बाकी ये आप पर है, आपको क्या पसंद है।
पावर या फिर डीजल एवरेज। किसान भाइयों चलिए आगे बढ़े और बात करें ट्रांसमिशन सिस्टम यानी कि गियरबॉक्स की, तो यहाँ पर करतार के 50-36 के अंदर 8 फॉरवर्ड और 8 रिवर्स वाला कॉन्स्टेंट मेस शटल शिफ्ट गियरबॉक्स मिलता है जो कि साइड लीवर्स के साथ आता है। इसके अंदर आपको डबल क्लच देखने को मिलता है जिसकी मदद से पीटीओ के काम काफ़ी आसान हो जाते हैं। वहीं स्वराज 744 XT की बात करूं तो इसके अंदर 8 फॉरवर्ड और 2 रिवर्स वाला कॉन्स्टेंट मेस गियरबॉक्स मिलता है जो कि सेंटर शिफ्ट के साथ आता है। इसके अंदर साइड लीवर्स नहीं दिए हुए हैं। वहीं इसके अंदर अब नए मॉडल्स के अंदर किसान भाइयों स्वराज 744 XT के नए मॉडल्स के अंदर आपको डबल क्लच भी मिल जाता है। तो यहाँ पर अगर कंपेयर करें तो करतार ज़्यादा बेहतर है, इसके अंदर शटल शिफ्ट मिल जाता है, उसी के साथ साइड लीवर्स होने से काफ़ी आसान हो जाता है गियर को बदलना, तो काफ़ी बेहतर यहाँ पर गियरबॉक्स दिया हुआ है। ट्रांसमिशन की बात करें तो यहाँ पर करतार ज़्यादा बेहतर है। किसान भाइयों अब बात करते हैं स्पीड की, तो यहाँ पर करतार 50-36 के अंदर आगे की मैक्सिमम स्पीड 32.6 किलोमीटर की मिल जाती है, वहीं रिवर्स स्पीड 32.3 किलोमीटर प्रति घंटा की मिल जाती है। किसान भाइयों अगर बात करें स्वराज 744 XT की, तो इसके अंदर आगे की फॉरवर्ड स्पीड 29-30 KMPH पर आवर की मिल जाती है, वहीं रिवर्स स्पीड 14.1 KMPH की देखने को मिल जाती है। तो चलिए किसान भाइयों आगे बढ़ें और बात करें यहाँ पर हाइड्रोलिक सिस्टम की। किसान भाइयों अगर बात करें हाइड्रोलिक सिस्टम की, तो करतार के 50-36 के अंदर 1250 किलोग्राम तो करतार के 50-36 के अंदर 1250 किलोग्राम की लिफ्टिंग की क्षमता देखने को मिलती है। इसके अंदर दी गई हाइड्रोलिक ADDC टाइप की होती है। किसान भाइयों अगर बात करें हाइड्रोलिक्स की, तो करतार के 50-36 के अंदर आपको 2000 किलो की लिफ्टिंग की क्षमता वाली हाइड्रोलिक मिलती है जो कि ADDC टाइप की है। किसान भाइयों अगर बात करें स्वराज 744 XT की, तो इसके अंदर 1700 किलोग्राम की लिफ्टिंग की क्षमता वाली हाइड्रोलिक मिलती है जो कि ADDC टाइप की है। किसान भाइयों इन दोनों ही ट्रैक्टर के अंदर जो हाइड्रोलिक है वो 3-point लिंकेज के साथ आती है और काफ़ी अच्छी वर्क करती है। तो चलिए आगे बढ़ें और बात करें यहाँ पर PTO यानी कि पावर टेक ऑफ की। किसान भाइयों रोटावेटर हो, थ्रेशर हो या फिर अन्य कोई PTO से चलने वाला उपकरण, हर उपकरण को चलाने के लिए अच्छी PTO, अच्छे PTO ऑप्शंस और अच्छी PTO पावर का होना जरूरी है। इसीलिए करतार 50-36 के अंदर 540 RPM स्टैंडर्ड PTO मिलती है, उसी के साथ ऑप्शनल 540 इकोनॉमी PTO मिल जाती है। अगर PTO पावर की बात करें तो 42.2 हॉर्स पावर की PTO देखने को मिल जाती है। किसान भैया स्वराज 744 XT की बात करूं तो इसके अंदर 540 RPM PTO मिलती है जो कि स्टैंडर्ड आती है, उसी के साथ मल्टी स्पीड और रिवर्स PTO का ऑप्शन मिल जाता है। वहीं इसकी जो PTO पावर है वो 43.3 HP की है जो कि काफ़ी बेहतर है। तो यहाँ पर PTO के हिसाब से देखा जाए तो 744 XT ट्रैक्टर ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादा PTO ऑप्शंस के साथ आता है, PTO पावर भी यहाँ पर काफ़ी बेहतर मिल जाती है स्वराज 744 XT के अंदर। किसान भाइयों बात करें यहाँ पर आने वाले टायर साइज ऑप्शंस की, तो यहाँ पर दोनों ही ट्रैक्टर के अंदर 750/16 के आगे के टायर और 1428 के पिछले टायर के ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, आप अपनी ज़रूरत के अनुसार ले सकते हैं। किसान भाइयों बात करें यहाँ पर ब्रेकिंग सिस्टम स्टेयरिंग की, तो यहाँ पर करतार के 50-36 के अंदर ऑयल में डूबे हुए ब्रेक्स मिल जाते हैं और पावर स्टेयरिंग यहाँ पर बैलेंस्ड पावर स्टेयरिंग मिलती है जो कि दोनों साइड एक्चुएटिंग होती है और काफ़ी बेहतर वर्क करती है। किसान भैया स्वराज 744 के अंदर भी ऑयल में डूबे हुए ब्रेक्स आपको देखने को मिल जाते हैं और इसके अंदर भी पावर स्टेयरिंग देखने को मिलती है। किसान भैया इसके अंदर जो पावर स्टेयरिंग है वो सिंगल एक्चुएटेड होती है तो थोड़ा कम स्मूथ आपको देखने को मिल सकती है, लेकिन बैलेंस्ड पावर स्टेयरिंग जो कि करतार के अंदर मिलती है उसकी स्मूथनेस ज़्यादा हो सकती है। किसान भैया बात करें यहाँ पर एक्सल्स की, तो दोनों ही ट्रैक्टर के अंदर आगे के एक्सल एडजस्टेबल टाइप के दिए हुए हैं जो कि काफ़ी बेहतर है, आप अपनी ज़रूरत के अनुसार एडजस्ट कर सकते हैं। पिछले एक्सल की बात करें तो यहाँ पर करतार ट्रैक्टर के अंदर प्लेनेटरी गियर रिडक्शन दिया हुआ है जो कि इंडस्ट्री का सबसे बेहतर रिडक्शन टेक्नोलॉजी मानी जाती है। वहीं 744 XT के अंदर इनबोर्ड रिडक्शन या फिर कहें कि बुल गियर रिडक्शन दिया हुआ है जो कि काफ़ी बेहतर है, लेकिन यहाँ पर करतार का प्लेनेटरी गियर रिडक्शन ज़्यादा बेहतर माना जा सकता है स्वराज के इनबोर्ड रिडक्शन के मुकाबले।
तो चलिए किसान भाइयों, बात करते हैं कीमत की। तो कीमत आपको हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पर आप DM कर सकते हैं, हमें मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पर आपको उपलब्ध हो जाएगी। या फिर आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर आप पूछ सकते हैं हमसे दोनों ही ट्रैक्टर की कीमत। तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर लिंक पर क्लिक करिए और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, या फिर इंस्टाग्राम पर फॉलो करके हमें मैसेज कर सकते हैं, आपको यहाँ पर दोनों ही ट्रैक्टर की कीमत उपलब्ध हो जाएगी। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना जाएं।